वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर, दिस अदिल रहमान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने किसी भी पिक्चर को जो है वो एक गेमिंग कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे समझे ये एक पिक्चर है, तो मैं इसको अपलोड करूँगा। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि एक ऐसी वेबसाइट है इमेज टू कार्टून, जिसे आप डायरेक्टली एक ही क्लिक में अपने आप को कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो यहाँ से मैं वो पिक्चर अपलोड करूँगा और यहाँ पर हमने ये वाली पिक्चर अपलोड कर दी, तो थोड़ी देर बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पिक्चर में। जो आपने पिक्चर अपलोड की वो कार्टून में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको शोकेस कर देंगे कौन सा आपको डाउनलोड करवानी है। बेसिकली हमें सिर्फ ये पीएनजी के लिए करवा रहे हैं ताकि हमें एक पीएनजी मिल जाए जो हमने पिक्चर निकाली है, और हमें सिर्फ हम लोग चाहें तो पूरी भी यूज़ कर सकते हैं या चाहें तो सिर्फ उसका हेड हम लोग लेके दूसरे किसी अच्छे कैरेक्टर पर लगा सकते हैं। तो समझिए बहुत सारे देखें हमारे पास यहाँ पर आ गए, जो आपको अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लें। बेसिकली हमें सिर्फ हेड चाहिए या अगर आपको पूरा कैरेक्टर भी चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो मुझे यही सही लग रहा है सबसे ज़्यादा क्लोज, क्योंकि हमारा गेमिंग से रिलेटेड यही है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड HD पे क्लिक करना है आपको ताकि हाई रेजोल्यूशन मिले। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आके ये पूरी इमेज आ जाएगी थोड़ी देर में, और यहाँ से इसको राइट क्लिक करना है, सेव इमेज और PNG होनी चाहिए, तो सेव कर लिया। अब इसको आपको खोल लेना है अपने फोटोशॉप में। जैसे ही आप फोटोशॉप पे खोलेंगे तो इस तरह से ये शो हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हमें करना है कि हमें अपना कोई कैरेक्टर ऐसा सिलेक्ट करना है जो हमारी गेमिंग जो हमें चाहिए, पबजी चाहिए, कोई सा भी, उससे क्लोज हो ताकि वो उसके थोड़ा सा करीब करीब रहे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे जाके गूगल पे हिटमैन लिख दिया और टूल्स में आके यहाँ पे लार्ज कर दिया ताकि हमें बड़े रेजोल्यूशन में मिल जाए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि हमें PNG आराम से मिल जाए। तो मैं देखता हूँ मुझे कौन सी फाइल जो है वो अपने लिए जो कैरेक्टर है उसमें सूट करेगी। तो यहाँ से एक ये वाला कैरेक्टर, ये भी आप ले सकते हैं, नीचे और भी आएंगे, एक ये कैरेक्टर ये भी लगते हैं, तो हम लोग इसको लेते हुए बना सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेजेस को सेव करवानी है आपने, सेव करवा दें और यहाँ से आके इसको अपने आर्ट बोर्ड पे खोल लें। अभी पहले PNG होनी चाहिए आपकी, ये पूरी सेव हो जाएगी, काफ़ी हैवी फाइल है, तो जल्दी ही सेव होगी, यहाँ पे आप इसको ओपन करवा लें तो इस तरह से ये शो हो जाएगी। अब मैं जो है थोड़ी सी फीलिंग देना चाह रहा हूँ पबजी की, तो मैं पीछे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा पहले इसका जो आर्ट बोर्ड है वो थोड़ा बड़ा कर दें, और अब मैंने एक जो है ये ड्रॉप जो होता है उसकी तरह का एक मैंने यहाँ पे ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे जाके रेड स्मोक लिख के या स्मोक लिख के इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो रेड स्मोक लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपके पास बहुत सारे स्मोक आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला मैंने डाउनलोड कर लिया एक ये वाला, तो यहाँ से मैं इसको लेकर आता हूँ अपने आर्ट बोर्ड पर और यहाँ पर ला के यूँ रख देता हूँ, ठीक है। इसको राइट क्लिक करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब हमें इसको पीछे लेके जाना है तो उसको यहाँ से पीछे ले जाएं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देते हैं और यहाँ से हमें बेसिकली जो हमने ये वाली पिक्चर निकाली है हमें इसको क्रॉप करके वहाँ पर लेके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ से क्रॉप करेंगे इसको, यहाँ से यूँ किया, यहाँ से यूँ, और यहाँ से इसको क्रॉप कर लिया, कंट्रोल एंटर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर ले जाएंगे यूं करके, ठीक है, बेसिकली ये इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा मेटा लाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें पीछे वाले डिलीट करनी है तो यहाँ से आगे इरेजर लेंगे और पीछे वाले जो भी हमें दिख रहा है वो डिलीट कर देंगे इसको यहाँ से, ये देखें इस तरह से, यहाँ से भी। तो ये देखें इस तरह बहुत साफ सुथरा हमारी जो पिक्चर थी वो अब इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल ई कर दें तो ये एक इमेज बन गई, ठीक है। अब हमने जो बैकग्राउंड अपना ऐड किया था इसको वापसी ऑन करेंगे और इसको थोड़ा सा सेटिंग करेंगे इस तरह से। अच्छा, इसको थोड़ा सा और चाहें तो हम छोटा कर सकते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मेडल लाइन ले आता और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप चाहे तो कैरेक्टर और छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसको ले आए थोड़ा सा और इसको ऊपर से थोड़ा सा
छोटा कर दें, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड तो हमारा रेडी हो चुका है जो ड्रॉप का होता है, तो एक पबजी की फीलिंग आ जाएगी इससे। ठीक है, और कैरेक्टर भी हमारा रेडी है। इसके बाद हम दोबारा गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पबजी लोगो PNG। ठीक है, तो PNG से हमें विदाउट बैकग्राउंड ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कौन सा लोगो सही है। ये देखते हैं, ये शायद PNG है। तो ये वाला लोगो जो है ये हमें PNG मिल रहा है। यहाँ से मैं इसको सेव कराऊँगा और यहाँ से उसको उठा के अपने यहाँ ले जाऊँगा और इसको कर देंगे फ्रंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे इसको, बिल्कुल मिडल लाइन कर लेंगे, तो ये मिडल लाइन हो गया। ठीक है, तो एक ये वाली चीज़ भी आ गई हमारे पास। इसके बाद देखें आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बैकग्राउंड ऐड करवाना है। यहाँ पे जाएंगे सॉलिड कलर और कोई सा भी बैकग्राउंड ऐड करवा दो और इसको ले जाएं पीछे। अभी देखें इसमें मर्ज हो रहा है तो हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। उसका कलर मैं थोड़ा सा येलोइश की तरफ ले जाऊँगा यूँ करके। ठीक है, और अब हम इस पर कुछ जो है वो टाइपोग्राफी ऐड करेंगे ताकि वो और थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे आप ले लें 2 की जगह 16, यहाँ पे एंटर करें और यहाँ पे लिख दें फ्री 2। और हमारा जो फॉन्ट है वो मैंने फेयर प्रॉस्पर रखा है, ये मैं आपको उसमें भी डाल दूंगा लिंक में। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं इसको। आप चाहें तो आपको ये थोड़ा सा जो अगर बड़ा हो रहा है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर थोड़ा सा छोटा कर दें इस तरह से। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आए और यहाँ पे मैं दोबारा लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्ले और इसको ऊपर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फ्री टू प्ले और यहाँ पे मैं ऊपर नाउ लिख दूंगा नाउ। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे थोड़ा रेड, रेड टाइप का कुछ कर दें इसका। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी अपने जो है पिक्चर को एक गेम कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसके थ्रू, या चाहे तो अपना और भी कुछ वेबसाइट है जिसे आप कार्टून में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और डिटेलिंग डाल सकते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे तो ये सब कुछ एक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिल्टर पर आए और यहाँ पर आ जाए आप फिल्टर गैलरी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ग्रेन टेक्सचर में ग्रेन का इफेक्ट है इसमें थोड़े से, ये देखें मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊं आपको तो एक टेक्सचर में थोड़े से ग्रेनी इफेक्ट आ रहा है। आप चाहें तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ओके करेंगे तो एक हल्का सा ग्रेनी इफेक्ट आ गया। देखें इसको चाहें तो दोबारा करके कम भी कर सकते हैं। फिल्टर में आए, फिल्टर गैलरी, अब इंटेंसिटी आपको ज़्यादा लग रही है तो 33 की जगह आप 25 कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखें थोड़ी सी डिटेलिंग ओवरऑल उसमें ऐड हो गई है ग्रेन्स की। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कोई भी आर्टवर्क जो है वो गेम कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।